तो बताइए आपका क्या समस्या है। मेरा समस्या है, मेरा परदादा 6 भाई थे। हाँ, ठीक, आपके परदादा 6 भाई थे। ठीक उसमें बड़े वाला दादा के नाम से डिवाइड है। बड़े वाले दादा के नाम से खतियान है। बड़े के नाम से सकता मतलब बड़े वाले दादाजी के नाम से आप जमीन का जो है पूरा पेपर है। अंत में और अटूट भाई उनका है। बड़े वाले के नाम से है और मतलब बड़े वाले के नाम से है, ऐसे दायरे में वर्णन जो है आपके पांच मतलब उनके 5 भाई के है, यानी आपके दादाजी के 5 भाई। हाँ, 6 भाई थे तो बड़े वाले के नाम से अपना उनका रसीद उन्हीं का नाम से है और खतियान में 5 भाई का अंश डाला हुआ है। हाँ वही बोल रहे हैं, बड़े वाले के नाम से है, बाकी का नाम हिस्सेदार में अंश के साथ डाला गया है, सही ना। ठीक है, डाला गया है, आगे बताइए। और आगे में उसमें एक एक दादा का एक भाई था, उनको लड़का नहीं था तो वो अपनी लड़की को जमीन ट्रांसफर करवा दिए। अच्छा, को अपना हिस्सा के मुताबिक, हिस्सा ना ट्रांसफर किए वो। हाँ अपना हिस्सा के मुताबिक अपना वो लिखवा दिए। अच्छा, अपना हिस्सा अपना बहन को लिख दिए, एक भी बेटा नहीं होने के कारण बेटी को नाम पे पूरे जमीन अपना हिस्सा को चढ़ा दिए। ठीक ठीक और बताइए और क्या समस्या है। तो वही इसका बंसावली किस आधार से बने हुए। यानी समस्या, हाँ समस्या कुछ है नहीं, वंशावली किस आधार से बनेगा, ये मतलब समस्या यही है कि वंशावली किस आधार से बनेगा ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। गौर से सुनिएगा जो बोल रहे हैं आप। आपके दादाजी कुल मिला के 6 भाई थे, तो छहू भाई का जो है आपसी बंटवारा हुआ था, शेड्यूल चार्ट वगैरह बना था, बंटवारा नामा जिसको बोलते हैं, नहीं, मौखिक रूप से हुआ है। मौखिक रूप से आपसी सहमति से हुआ था, सही ना। आ तो अभी सभी व्यक्ति अपने अपने हिस्से में दखल कब्जा ले लिए हैं, सही ना। तो आप हमको ये बताइए कि आप कौन हैं, आपके दादाजी आप पोते हुए हैं, तो आपके पिताजी के पिताजी आपके दादाजी के नाम से जमीन है। मेरे परदादा जी हैं तो मेरा दादाजी एस्क्वायर करेंगे। आपके दादाजी एस्पायर कर गए, 6 भाई में से एक भाई एस्पायर कर गए आपके उसमें आपका दादा। छेहू भाई एस्क्वायर कर गए। हाँ, अच्छा ठीक है, 6 भाई एस्पायर करके। हमको ये बताइए आप अपना वंशावली बनाना चाहते हैं या पूरे छह जो पटीदार थे आपके बाबा जी जो 6 भाई थे छेहू के नाम से बनाना है, मैं अपना नाम से बनाना है। अपना नाम से न बनाना है। तो सुनिए गौर से सुनिए, अभी जो जमीन है उस जमीन का मतलब आपके मतलब बड़े दादा बोला जाए तो आपके दादा के भाई बड़े भाई यानी आपका समझिए दादाजी दादा है थे जो क्या, है, परदादा थे, परदादा थे। हाँ, यानी परदादा के नाम से जमीन है। आप बोल रहे हैं कि बड़े मेरे दादाजी 6 भाई थे और बड़े दादा के नाम से, यानी परदादा के नाम से। अच्छा, परदादा के नाम से है। तो बोलिए कि वो परदादा में मेरा परदादा 6 भाई गुजर गए। सुनिए गौर से सुनिए, हम आपको जो पूछ रहे हैं वो बताइए, जमीन किन के नाम से है, मेरा परदादा के नाम से छह आपके परदादा के कितने पुत्र हैं, भाई थे वो। वो 6 भाई थे, छह हाँ 6 भाई में जो है, हाँ 6 भाई थे जिसमें एक आपका दादाजी है, आपका दादाजी को कितने पुत्र हुए हैं, मेरा दादाजी का एक पुत्र है। आपके दादाजी के एक पुत्र है, सही ना। हाँ, और आपके दादाजी के एक पुत्र यानी आपके वो पिताजी, पिताजी अभी के लिए मेरा पिताजी है। हाँ, आपका पिताजी जो है आपके, आप हमको ये बताइए कि आपका दादाजी के कितने पुत्र थे, एक वो आपके पिताजी यानी आपके पिताजी एक ही भाई हैं, मेरा पिताजी 3 भाई है, दादाजी 3 भाई, एक ही भाई थे, अकेला थे। आपके दादाजी अकेले थे, उनको 3 पुत्र हुए, ठीक, आज 3 पुत्र हुए तो हाँ ठीक है, 3 पुत्र हुए तो 3 पुत्र में से एक का बेटा आप हैं, सही ना।
तो आप कितने भाई हैं? तीन भाई हैं। आप ये बताइए पेपर किसके नाम से बनाना है, सर्वे किन के नाम से करवाना है? तो आपसे पूछ रहे हैं आप लोगों में से भाई में बनाएंगे या पिताजी के नाम से बनाएंगे? पिताजी के नाम से बनाएंगे। आपके पिताजी का एज कितना है? क्या आपका पिताजी का एज? मेरा पिताजी तीन भाई है। एज कितना है, कितना उम्र है? मेरा पिताजी का उम्र अभी 45 साल है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, गौर से सुनिएगा। आपको करना ये है कि सबसे पहले परदादा को पकड़ना है, ठीक ना? हाँ। जवाबबंदी आपके परदादा के नाम से ही चलता होगा? हाँ, उन्हीं का नाम से। तो जवाबबंदी जो जवाबबंदी यानी रैयत में आप परदादा जी को लेंगे, रैयत में परदादा जी के नाम से लेंगे, और रैयत वही होता है जिनके नाम से जवाबबंदी कायम होता है, ठीक है? तो अपना दादाजी को सबसे ऊपर में रैयत में रखेंगे, उनको छह कुर्सी नामा बदलाएंगे, यानी छह कुर्सी नामा बनाने का मतलब ये है कि छह डायग्राम में लेंगे छह बेटे, और छह बेटे को जितने छह बेटे में से जो है ना आपको आपके आपके आपका जो जिनसे रिलेशन बनता है, खून का रिलेशन तो सभी से है, लेकिन जिनके आपके मतलब जिनसे आपका, जैसे आपका परदादा के नाम से जमीन है तो उनको छह पुत्र हैं, तो छह गो आपके दादाजी छह भाई थे, तो छह में से एक आपके दादाजी जी हुए ना, तो उसको पकड़ेंगे और उनको कितने पुत्र है, पूरे पुत्र को लेंगे, और उसके बाद उसमें से आपके पिताजी कौन है उनको लेंगे, और अपने जितने भी भाई हैं आप और बहन है सबको दर्शाएंगे, और उनका भी भाई बहन जितने हैं सबको दर्शाएंगे। आप बोलेंगे, देखिए हम बता देते हैं इसलिए क्योंकि सर्वे जो है ना, सर्वे में जो है सर्वे टीम का कहना है और गवर्नमेंट का कहना है कि वंशावली बनेगा उसमें बहन बेटी का भी नाम देना है। तो आप समझ गए ना कि क्या ये हम जो बोले हैं, समझे क्या करना है? एक बार आप रिपीट कीजिए। पहले परदादा का नाम रैयत में डालेंगे, ठीक है? नहीं लिखेंगे, अपना परदादा का नाम लिख के ब्रैकेट में रैयत लिख देंगे, ठीक? उसके बाद नीचे में डायग्राम खींचेंगे और वहां पे छह को जो है ना आपको कुर्सी नामा अनुकार जो है ना स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है? और छह भाई में से बाकी को छोड़ देंगे कितने कितने पुत्र हैं, उतना आपको नहीं है, उतना नहीं जाना है आपको, जहां से हिस्सा आपके अंदर आता है वहां से खींचना है उसको, ठीक ना? तो आपको क्या करेंगे, अपने दादाजी को पकड़ेंगे, ठीक है? और आपके दादाजी जितने भाई थे, आपके दादाजी को जितने पुत्र थे, ये बोल रहे हैं तीन पुत्र थे, तो तीनों चाचा को आप ले लेंगे, और उसमें से तीनों में से जो आपके पिताजी है उससे घींच के, और फिर आप जो है क्या करेंगे, अपने सारे अपने जो अभी फैमिली है उसको दर्शा देंगे, समझ गए? मेरा भाई पिताजी ही बंटवारा हो चुका है। हाँ, ये समझे जो बोल रहे हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। वही ना बोल रहे हैं, सब अपना अपना फुटका रहे हैं, आप वही तो फुटका रहे हैं ना, वंशावली बना रहे हैं तो उसी में तो फुटका रहे हैं आप, समझ रहे हैं? और जो और पार्टनर उनको साथ में नहीं लेने का, जो पार्टनर है ना, जब जहां से बंटवारा होके आपके हिस्सा में आ जाता है तो आपको उसी को लेके चलना है। अब छेहू आपके आपके जो है परदादा जी को छह भाई थे, यानी आपके दादाजी छह भाई थे, तो छेहू भाई को आपको नहीं, छह भाई के बाद अपने कुल में मतलब अपने कुल तरफ घुसना है, ऐसे तो सब आप ही का कुल, लेकिन कहने का मतलब अपने दादाजी के हिस्सा में आपको आना है और उसी हिस्सा में बंटवारा। देखिए पूरे जमीन को क्या करेंगे, देखिए पहले ये समझ गए, अब ये समझ लीजिए, ये हो गया आपको एक कुर्सी नामा बनाने का तरीका, फिर जो उसके बाद जो बंटवारा होगा तो उसमें इस प्रकार कीजिएगा, जैसे सबसे पहले रैयत में
रैयत में अपने परदादा के नाम रखेंगे, जितने रकबे हैं वो पूरा जमीन को जो है ना 6 हिस्से बराबर हिस्सा में बांटेगा, यानी बहुत हिस्सा बराबर। उसके बाद उसमें आपके दादाजी को जितने आएंगे उसमें आपको पूरे चाचा जी को बंटवारा होगा, यानी 3 हिस्से। और 3 हिस्से होने के बाद 1 हिस्सा आपको पिताजी को मिलेंगे, और वो आप अपने पिताजी अपने वो ले लेंगे, वो उसको घींच के लाएंगे और अपने भाई बहन को आप भी दर्शा देंगे, जिससे उसमें हो जाएगा वो पूरे कुर्सी नामा बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया वंशावली का। और इसके बाद बंटवारा चार्ट का भी आपको काम करना है, गौर कीजिएगा। बंटवारा चार्ट जो बनाइएगा रैयत में रखिएगा, जिनके नाम से जो है जवाबंदी कायम है, यानी कि परदादा जी आपका, पूरे रकबा को 6 हिस्से बांटेंगे। 1 हिस्से आपको दादाजी वाले, आपके जो दादाजी हैं उसमें आप अपने तीनों चाचा जी को बंटवारा होगा, और अब चाचा जी को बंटवारा होने के बाद और आपके पिताजी के बंटवारा होने के बाद उसमें आपके पिताजी के हिस्सा में, ठीक है, अगर बंटवारा में दिखलाना चाहेंगे कि कितना कितना हिस्सा है तो वो भी घिस सकते हैं, और नहीं तो बस हिस्सेदारों के वर्णन में अपने जो है फैमिली में जो भी मेम्बर है, जो बहन बेटी भाई बहन जो भी भाई बहन है सबको दर्शा देंगे। ठीक है, और अगर आपको दादाजी को परदादा आपको अगर दादाजी सबको बहन है तो वो भी उसमें दर्शाया जाएगा, ये याद रखिएगा। समझ गए कि नहीं? हाँ, समझ गए। तो आप इसको जो है ना, हाँ, अगर आपको ये चीज बनाने में अगर कुछ समस्या होता है, ठीक है, तो हम जो यहाँ पे ऑलरेडी कुल मिला के 117 अमीन है, जो ट्रेंड अमीन है, एक्सपीरियंस अमीन है, तो अगर आप यहाँ से बनाना चाहेंगे तो आपको कुछ उसका जो है एक नॉर्मल सा अमाउंट देना होगा, ठीक है, और वो बना के भेज देंगे, कुर्सी जो वंशावली है ना वो बना के भेज देंगे। कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा? वो आपको जो है जैसे अभी करेंगे तो 3 घंटा के अंदर जो है ना आपके पास जो है PDF में पहुंच जाएगा, 3 घंटा के अंदर PDF में पहुंच जाएगा। मतलब आपके आपके दादाजी को अंश नहीं मिला, खतियान में अंश नहीं रखा है, और उन्हीं का नाम से खाली है। यानी आपके परदादा जी का जो जो खतियान है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बड़े मतलब आपके दादाजी जो 6 भाई थे उसमें से बड़े भाई को दर्शाया गया है, पांचों को छोड़ दिया गया है, वही ना? बिल्कुल हो सकता है, जब सर्वे जब हुआ होगा ना तो उस समय हो सकता है उनको एक ही, आपके जो परदादा जी को एक ही बच्चे थे तो एक ही बच्चे को दर्शाएंगे ना। आज मान के चलिए आप अपना नाम से जमीन है और अपना नाम से जैसे देखिए जैसे मान के चलिए आप रैयत हुए, ठीक है, अब अभी सर्वे चल रहा है और आपके नाम से जमीन है, मान के चले एग्जाम्पल के लिए कोई भी केवाला जमीन का करवाए यानी रजिस्ट्री आपको मिला है, तो रजिस्ट्री में जमीन का मालिक आप हुए, आप जमीन में सर्वे होगा अभी, तो उस व्यक्ति को खतियान बनेगा, तो खतियान जो बनेगा जमीन में, जमीन का जो ब्यौरा तैयार होगा उसमें आपके अभी जितने बच्चे होंगे उतना कोई ना दर्शाएंगे, कि आने वाले बेटा बेटी है उसके बारे में तो पता नहीं, तो उसको नाम दशा कुछ तो लिख नहीं सकते हैं, तो उसलिए जिस समय सर्वे हुआ होगा वो जो सर्वे के दौरान जो है ना उस समय आपके परदादा जी को एक ही पुत्र होंगे, उस कारण से उसमें दर्शाया गया है। बाद में सर्वे होने के बाद वो पांच जो पुत्र आपके परदादा जी को हुए तो 5 बाद में हुए होंगे, उसलिए उसका नाम उसमें नहीं है। समझ रहे हैं जो बोल रहे हैं? लेकिन सुनिए, लेकिन अगर उसमें नाम है हिस्सेदार में उनका नाम है तो हाँ ठीक है, और पिताजी है ना आपके दादाजी का, जब वो पिताजी है यानी आपके परदादा, तो उनको अधिकार है, और जैसे ही आप लोग का जो पिताजी जन्म लिए तो वो आपके परदादा जी का वो पोते हुए हैं आपके पिताजी, ठीक है, तो जन ये हो गया पुश्तैनी जमीन, जिसको बोलते हैं पुश्तैनी जमीन का मतलब समझते हैं, जैसे बाप दादा के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो जमीन उत्तराधिकारी के रूप में मिलते आ रहा है, यानी 2 से 3 मतलब 2 से 3 खानदानी, यानी 2 से 3 जो है ना कुल, यानी बोला जाए 2 से 3 पुश्त
बीत चुका है वो जमीन जो है ना, उस जमीन को हम बोलते हैं पुश्तैनी जमीन। ठीक है, तो इसलिए जैसी आप पैदा हुए और आपके दादाजी पैदा हुए और हाँ, तो उसको पैदा आज पैदा लिए और उसको आज से ही अधिकार उसमें हो गया, पैदा लेते ही अधिकार हो जाता है पुश्तैनी में। अगर पेट में कुछ है, पेट में अगर जो बच्चा पल रहा है और बहुत मतलब समझिए उस बच्चा का दादाजी के पास परदादाजी का कोई संपत्ति है, तो पेट पेट में आया और पेट में आने के पेट में वो है और जैसी पेट में से वो जैसी धरती पे आएगा ना, उनका अधिकार उसमें हो जाता है। समझे पुश्तैनी जमीन के बारे में, समझे कि कैसे अधिकार है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आपके परदादा के नाम से है तो आपके पिताजी पोते हुए थे, ऑटोमेटिक आपका पिताजी जिस दिन पैदा हुए ना, जिस दिन इस धरती पर आए उसी दिन उस जमीन में उसको अधिकार मिल गया। तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है, नाम रहे या ना रहे उसमें कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि जमीन परदादा के नाम से है। हाँ ठीक ना, पुश्तैनी जमीन है। बोलिए, अपना दादाजी आपके दादाजी ज्वाइंट में लिए थे। हाँ, जमीन साथ में दूसरा व्यक्ति थे। कौन दूसरा व्यक्ति, वो दूसरा किन के साथ ज्वाइंट में लिए थे? वो अपना ये चाचा लोग मान के चले, वो दूसरा अपना ये परिवार के थे वो। यानी आपके दादाजी जो जमीन लिए थे तो आपके दादाजी के वो रिश्ते में, उनके साथ में लिए। आपके दादाजी जो जमीन, सुनिए ना, आपके दादाजी जो जमीन खरीदे थे ज्वाइंट में, तो ज्वाइंट में जो जिसके साथ खरीदे थे उसके साथ क्या संबंध था? उनका भाई था, भतीजा था? भतीजा है उसका, भतीजा। यानी आपके दादाजी अपने भतीजे, चचेरा भतीजा होते हैं। अच्छा, चचेरा भतीजा था। चचेरा भतीजा का मतलब ये हुआ कि आपके दादाजी के भाई का बेटा, सॉरी आप उनके आपके दादाजी का भाई का बेटा। हाँ, आपके दादाजी का भाई का बेटा। तो उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जमीन जो लिया गया है ना, तो अगर दोनों व्यक्ति के नाम से लेते तो दोनों, दो व्यक्ति हैं तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सा होगा। और नहीं, उसमें कुछ अंश दर्शा दिया गया होगा शेयर, ऐसे तो होता नहीं है। अगर शेयर दर्शा दिया, क्या केवाला है, केवाला है ना, तो दोनों का नाम है ना डीड में, यानी रजिस्ट्री पेपर में। डीड में दोनों, मेरा आधा अंश है, उन लोग का दो में आधा अंश है। आधा अंश, आधा अंश यानी पूरे में जो है, मतलब दोनों एक अंश में आधा आधा दोनों आदमी का अंश, सही ना? 14 डिसमिल जमीन है। अच्छा, वो हिस्सा बराबर है, यानी 14 डिसमिल के जमीन में आधा आधा डिसमिल, यानी वो हिस्सा बराबर की उसमें अधिकार दिया गया है, वही ना? एक अंश मेरा है, एक अंश मेरा है और एक अंश में उसका दो है, यानी 7 डिसमिल मेरा है और 7 डिसमिल में तो उन लोग है। ओ, मतलब 7 डिसमिल आपका है और 7 डिसमिल में उनको दो बच्चे हैं, तो उनको तो समझिए उनका दो बच्चे हैं तो ठीक है, तो आपका 7 डिसमिल उसमें आपके अधिकार में आ गए, आपके कुल मतलब आपके वंशावली में बंटवारा चार्ट में वो आ जाएगा। ठीक है, तो उन लोग तो ठीक जीवित है ना? क्या बोले? उन लोग अभी जीवित है। जीवित है तो है, कोई अच्छी बात है, जीवित है तो आप अपना अधिकार उसमें 7 डिसमिल लीजिए, काम खत्म कीजिए। वंशावली आपको बनाना पड़ेगा, इसका वंशावली आपके जो है ना, जो दादाजी जो खरीदे थे जिन दो व्यक्ति के नाम से ज्वाइंट में, तो ज्वाइंट रेयर मतलब वहां में लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए रमेश और दिनेश दोनों मिल के जमीन खरीदे हैं, तो रैयत में नाम रहेगा दिनेश और रमेश, रैयत में रैयत दिनेश और रमेश, रैयत रैयत में दिनेश और रमेश आ जाएगा, जिनके दोनों व्यक्ति जमाबंदी में दोनों व्यक्ति का नाम होगा। तो आप क्या करेंगे वहां पे रैयत में उन दोनों व्यक्ति का नाम करेंगे और उसमें से जो आपका मतलब दोनों व्यक्ति को दो हिस्से में बंटवारा कर देंगे, वहीं पे वो हिस्सा बराबर कर देंगे और दोनों का वहां पे जो है ना, जैसी बंटवारा करेंगे टोटल जमीन में, यानी दोनों भाई को नीचे में लिखेंगे और दोनों को हाफ हाफ कर देंगे और हाफ में आपके इधर आ जाएगा, हाफ में वो जो जितने भी पटेदार हो है, दो है चार है उनका हो जाएगा। मेरा दादाजी तो स्क्वायर करे तो मेरे नीचे लाने का है ना,
पिताजी को नाम से नाम लेकर है ना, तो आपके दादाजी के नाम से तो आपके पिताजी के नाम पे आएंगे ना पिताजी। आप आपके पिताजी तीन भाई थे तो तीनों भाई के हिस्सा में वो जमीन 7 डिसमिल में जाएगा। आपके दादाजी को जो है तीन भाई, तीन पुत्र हुए हैं। पुत्री कितने थे बेटी? एक है। तो 4 में लगेगा वो, अगर पुत्र उसमें 4 में लगेगा। आप नाम दीजिए या ना दीजिए वो आपके ऊपर है, ठीक ना, लेकिन नाम देना पड़ता है, ठीक ना। लेकिन वो आप जानिए, वो आपका आपसी सहमति और आपसी विचार है, लेकिन हम बताते हैं उस 7 डिसमिल में तीन आपके आपके पिताजी जो तीन भाई थे तीनों को हिस्सा, प्लस आपके जो पिताजी को बहन है उसको भी हिस्सा, यानी पूरे 7 डिसमिल को जो है ना वो हिस्सा बराबर, यानी 4 जगह लगेगा। उसमें से जो आप सुनिए, उसमें सुनिए ना, उसमें से जो आपके पिताजी 7 डिसमिल में जो है ना 4 हिस्से में बांट दीजिएगा, एक हिस्से में वो आप सबको मिलेगा, ठीक है? और बताइए, और कोई आपको जानकारी लेना है? तो इसमें जो और जो खतियान में पहली जमीन है उसमें जो जो मैं जो खेसरा नंबर जो था उसको एंट्री करूंगा ना? हाँ, जितने भी खेसरा है जमा, देखिए जो जमा मंदी चलता है, ठीक ना, जितना भी जो भी जमा मंदी चलता है और जितने भी खाता और खेसरा है, सब जितने भी जमीन है सबको दर्शाना है। देखिए गौर से सुनिएगा, एक जो है ना वंशावली फॉर्म है जिसमें दखल कब्जा मतलब उत्तराधि वंशावली के आधार पे जो है दखल कब्जा जो मिला है, यानी आपसी उत्तराधिकारी के रूप में, और कितने कितने व्यक्ति जोत रहे हैं उस जब पूरे जब रैयत का नाम, पिता का नाम और जमीन का ब्योरा में जैसे खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकवा चौहद्दी लिखाएगा, जवामंदी नंबर लिखाएगा, तो ये सब सारा उसमें आपको भरना होता है, ठीक है? ठीक है, अगर मान के चलिए फिर भी अगर आपको कोई वंशावली बनाने में या अगर बंटवारा वगैरह नहीं हुआ है, फिर से कराना चाहते हैं और पूरे जमीन को किधर से किसको मिला है चौधरी के साथ दखल कब्जा पूरे खेसरा में, जितने भी खेसरा है जितने भी खाता का, तो वो भी आपको करवाना है। अगर इस समय कोई प्रॉब्लम होगा, नापी करवाना हो या वंशावली बनाना हो, तो आप जो है ना आराम से जो है यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सारा काम हो जाएगा। एक अमीन चाहिए तो एक एक्सपीरियंस अमीन जो एकदम वेरीफाई हो, ट्रेंड अमीन जो अमीन में डिप्लोमा होल्डर हो, वो आपको जाके नापी करेंगे, ठीक ना। ये आलतू गांव घर वाला झोला छापा अमीन नहीं, बहुत सारे व्यक्ति अमीन जो है वो कमेंट करते हैं, वो गाली भी हमको देते रहते हैं, झोला छाप बोल देते हैं, तो क्या करें, जो वास्तविकता वो बोलते हैं। एक ट्रेंड अमीन और एक अनट्रेंड अमीन में फर्क है, वो भली जो है वो कहीं किसी के साथ रह के इधर उधर से सीखे, प्रॉपर एक ट्रेंड जो होता है ट्रेंड होता है, समझ गया, एक अनट्रेंड अनट्रेंड ही होता है। चलिए, बिल्कुल ऑल बिहार में, बिहार के कोने कोने में जो है ना अपना नापी चलता है, हर दिन 300-350 नापी होता है, और आज से नहीं, आज से नहीं बहुत दिनों से नापी चल रहा है, समझ गए। क्योंकि देखिए आपको बताते हैं यहाँ पे, सुनिए यहाँ पे इसलिए बताते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अमीन की ट्रेनिंग होती है, और यहाँ पे जो ट्रेंड अमीन यानी मेरे द्वारा और मेरे टीम के द्वारा उसको ट्रेंड किया जाता है, हर एंगल से फील्ड में ले जाके 1 साल पूरे उसको पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके वो समझिए वो पत्थर से हीरा बनता है, वैसे व्यक्ति जाते हैं, ठीक है, वो नहीं कि वो इधर उधर से कहीं कहीं से आ गए, वैसा नहीं, एक्सपीरियंस का। और यहाँ पे आपको वैसे अमीन भी मिलेंगे जो गवर्नमेंट अमीन रह चुके हैं और रिटायर वगैरह होने के बाद वो भी नापी करते हैं, लेकिन ज़्यादा एजेड हैं तो हर जगह नहीं जाते हैं, लोकल एरिया में वो नापी करते हैं, ठीक है। आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपके एरिया में जो जैसे होगा तो आपको सारा चीज़ बता देंगे, ठीक है। देखिए अमीन जो जाएगा आपको नॉर्मल सा चार्ज लगेगा, ठीक है, ऐसे जो है बंटवारा वगैरह रहेगा क्या कैसे वो तो देखने के बाद, लेकिन नॉर्मल नापी रहता है ना जो जो लफड़ा वगैरह वाला रहता है, नहीं बस सिंपल, मतलब कहने का मतलब आपको जो है बंटवारा में टाइम लगता है, तो बंटवारा छोड़ के बाकी जो भी नापी रहता है उसका फीस 3,000 लगता है। बंटवारा वगैरह है, कितने पटीदार हैं, कितना जमीन है, और उसके हिसाब से हम आपको बता देते हैं, ठीक ना, क्योंकि उसमें माथा पीछे ज़्यादा रहता है, क्योंकि चौहद्दी भी कन्फर्म करना होता है,
बंटवारा चार्ज जिसको बंटवारा नामा बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं, वो भी तैयार करना होता है। तो उस समय ज़्यादा माथा पीछे है तो उसके हिसाब से आपके पट्टीदार पूरे जमीन वगैरह कितना सारे देखने के बाद वो आपको बताया जाता है कि पर डे के हिसाब से कितना लगेगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, तो और आपका कोई क्वेश्चन तो है नहीं? आप मेरे टीम से बात कर लीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा 8406979, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मैसेज कर दीजिएगा और आपको सारा रिप्लाई चला जाएगा और आपसे जो है ना मेरी टीम बात भी कर लेंगे, ठीक ना। कितना नंबर है जो व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप नंबर है ना जो व्हाट्सएप पे मैसेज जो किया गया है, यही नंबर है सर? हाँ यही नंबर है। और बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट का टाइम कब तक है सर? आपके एरिया में सर्वे चल रहा है अभी? बाईस सवा हुआ है तो आप समझिए अभी जो है ना 40 से 45 दिन के आसपास समय रहता है, समझ गए? तो उसको आपको देंगे लेकिन 40 दिन ही, और बहुत जगह तो एक महीना ही समय देंगे, ठीक ना। तो वो एक महीना लप समय चढ़िए एवरेज में लेके, एक महीना आपके पास समय है, जो भी जैसे करना है कर लीजिएगा, ठीक है। गांव जाइए तो फिर गांव जाइए फिर बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अपॉइंटमेंट का मेरा समय हो गया, अपॉइंटमेंट बुक है, अभी छुट्टी नहीं है, ट्रेनिंग भी चल रहा है और प्लस अपॉइंटमेंट भी रहता है और बहुत सारा अपना काम है, ठीक ना। तो इसलिए अपॉइंटमेंट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेना है तो थोड़ा आप लोग आपका अगर सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया तो अब हम डिस्कनेक्ट करेंगे। प्रवीण जी, अरविंद नाम है या आपका प्रवीण नाम है ये बताइए? अरविंद जी, तो आप कॉल जो है रखते हैं, बाकी जो आप और कुछ जानकारी चाहिए वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक, ओके। वंशावली के लिए बोल रहे थे, ठीक है, बात कीजिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, टेंशन मुक्त रहिए। यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्ट करते हैं ना उनको हर एक चीज बारीकी से करवाते हैं, नहीं होता है तो यहाँ से अमीन भेज देते हैं, हर एक एक चीज उसको समझा देते हैं, समझ गए? चाहे बिहार के किसी भी कोने से हैं आप, ठीक है। चलिए ठीक है अरविंद जी, रखते हैं, ओके। अगर आप लोग का भी कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है तो आप आराम से यहाँ से कंसल्टेंसी बुक कर लेंगे। ट्रेनिंग सेंटर का एप्लीकेशन है किशोर अमीन ट्रेनिंग, उस एप्लीकेशन में जाएंगे, उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, मोबाइल से बात करने के लिए कंसल्टेंसी बुक कीजिए, तो वहाँ बुक करना है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन जो है पेमेंट करना होता है, जैसे पेमेंट करेंगे मेरी टीम से जो है आपको कॉल जाएगा और आपको समय दे दिया जाएगा कि इतना बजे आपका अपॉइंटमेंट है, तो आप लोग भी बुक करवा सकते हैं घर बैठे, घर बैठे टोटल जानकारी ले सकते हैं। मेरे बारे में आपको पता ही होगा, पैसे से हम वकील भी हैं और अमीन भी है, और अमीन का ट्रेनिंग वगैरह भी अपने यहाँ चलता है, तो आप आराम से जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय हिंद।